सो है गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया रहना। काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, वैसा मतलब थोड़ा मैं काम में बिजी होता हो जाता हूँ, इस वजह से कुछ भी नहीं बना रहा। आज संडे है, देखते हैं आज का क्या प्लान बनता है। अभी तक कुछ प्लान नहीं बना शाम का। जाएंगे तो शाम में ही जाएंगे, अभी दोपहर के एक बज चुके हैं और आज थोड़ा लेट उठा मैं। आज वैसे कुछ काम नहीं है, सभी शॉप्स क्लोज है, सभी ऑफिस क्लोज है, सो आज वैसे कुछ काम नहीं है, सो थोड़ा आज लेट उठा। देखते हैं बाकी क्या सीन बनता है, क्या नहीं आज का। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं जा रहा हूँ भाई के रूम पे। देखते हैं, यहाँ से एक आधे घंटे का रास्ता है, 2 या 3 किलोमीटर के करीब है। मैं वो डेली अप एंड डाउन चल के आदत है मुझे को, क्योंकि खाने को भी उधर ही जाना है, दोपहर में खाने को भी उधर ही जाना है, रात में खाने को भी उधर ही जाना है, सो आदत हो चुकी है। उतना थकावट नहीं होती, होती है बट उतनी नहीं होती। 4-5 मैं दिन में कम से कम इधर 5-6 किलोमीटर चलता हूँ। अभी खाना खा के हो चुका है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ रूम पे। देखते हैं, वो मुँह धोता ना अभी इधर, इस वजह से थोड़ा पानी बन लग रहा होगा। बाकी काफ़ी मस्त सनलाइट पड़ रही है फेस पे। तो वो बिल्डिंग में हमारा रूम है, सो देखते हैं अभी आगे का क्या सीन बनता है, क्या नहीं। सो गाइस, अभी मैं वापस से मेरे रूम पे जा रहा हूँ। सो गाइस, खाना खा के आने के बाद सीधे सो गया मैं। जस्ट अभी उठा, अभी उठने के बाद मेरे को फ़ोन आया फिरोज भाई का। फिरोज भाई बोल रहे थे कि आज जाना, तो मैं अभी जा रहा हूँ उनके रूम पे। उनके रूम पे जाके देखेंगे क्या सीन बनता है। देखो गाइस, गाड़ी डॉज ए यहाँ की कॉमन गाड़ी है, बहुत फिट की इधर। ये तो छोड़ो, ऑडी सब ये तो नेक्स्ट लेवल कॉमन है। क्या बोल, अभी फिरोज भाई का रूम बहुत दूर है इधर से, देखते हैं कब तक जाके पहुँचते हैं। आधे 1 घंटे का रास्ता है। भाई का रूम है ना, उससे भी बहुत दूर है, सो कम से कम एक आधे 1 घंटा लग जाएगा। देखते हैं जितना भी लगता है, बट रूम पे रहने से तो बेटर है कि यही करें कि थोड़ा चले फिरे, तो थोड़ा मूड भी थोड़ा फ्रेश रहता है। गाड़ियाँ से बहुत कॉमन है, ये देखो मेरे पीछे बहुत सुपीरियर कॉमन है गाइस। इंडिया में होता है ना एक हाइप बड़े गाड़ियों का, वैसा हाइप इधर नहीं है। मतलब जब बड़े गाड़ियाँ देखते हैं तो ना मज़ा भी नहीं आता कि चलो ये कॉमन हो गई है, देख देख के बोर हो जाता है आपको। जब इंडिया में रहते हैं तो जब एक गाड़ी भी दिखे, ओ भाई बहुत जा रही है, ओ भाई रैम्बो जा रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी गाड़ी कॉमन है। कभी भाई का फ़ोन आया था कि भाई वेट कर रहा है हमारा, सो चलते हैं जल्दी। थोड़ी दूर में, बहुत दूर है बट है थोड़ी देर। देखते हैं जो भी सीन होता है, कब तक जाके पहुँचते हैं कब तक नहीं। तो अभी भाई वेट कर रहा है, होटल में वेट कर रहा है शायद से। देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। उसने मेरे को बोरी मस्जिद के पास बुलाया है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बोल रहा था कि मेरे भाई के रूम के पास ही है। तो भाई के रूम का लोकेशन तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है, सो देखते हैं। वाला है ये जो मस्जिद दिख रहा है, यही वाला जगह लग रहा है। देखते हैं आगे जाके किसी से पूछ लेते हैं। आप देख सकते हो सब खाली कर चुके हैं। कितने हम 5 लोगों ने मिल के 2 मसाले सारा खाली कर चुके हैं। आप अपने मसाले का साइज को देखा होगा। अभी मैं फिरोज भाई के रूम से नीचे आ चुका हूँ। अभी भाई ने कॉल किया था कि अभी जाना है सिटी सेंटर। मुझे पता था कहीं ना कहीं जाना होता है संडे के दिन। अभी भाई के रूम पे जाना है, भाई के रूम पे जाके फिर मेरे को जाना है गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी पार्किंग से फिर जाएंगे सिटी सेंटर को। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी मैं आ चुका हूँ भाई के रूम पे, लिफ्ट में हूँ। तो अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, यम फ्लोर पे, सो चलते हैं और अभी जाते हैं, फिर चलना है अभी।
तो मेरा भाई का रूम, तो अभी जा रहे हैं कार लेने के लिए, कार लेके फिर यहाँ पे आके भाभी को पिक करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे सिटी सेंटर। बहुत थक चुका हूँ क्योंकि लाइक पहले फिरोज भाई के पास गया, फिरोज भाई के पास से फिर गया मैं फिरोज भाई के पास खाने के लिए गया, उधर खा के फिर गए फिरोज भाई के रूम पे, फिरोज भाई के रूम से फिर भाभी के रूम पे, भाभी के रूम से अभी आ रहा हूँ भाई के रूम पे। बहुत दूर होता है ये सब, बहुत चला हूँ अभी, तो इस वजह से काफ़ी थक चुका हूँ। तो अभी सिग्नल आ चुका है, जल्दी क्रॉस होते हैं और फिर से कौन वेट करेगा, सो चलते हैं और देखते हैं। चलने का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी चलना है। अभी जब मुझे, मेरे को जाना है भाई की शॉप के पास, भाई की शॉप के पास जाके उधर उसके मैनेजर का एक रूम है, सो वहाँ से की लेके फिर जाना है भाई की गाड़ी के पास। देखते हैं कहाँ पे रखी है गाड़ी उसने। तो भी शू बहुत गंदे हुए हैं ना, यहाँ ब्लैक काली मिट्टी है ना, यहाँ पे काली मिट्टी है ना, इस वजह से शू ब्लैक हो चुके हैं। उसको भी क्लीन करना है, पता नहीं कैसे क्लीन करूँगा, सुखाऊँगा कहाँ सुखाऊँगा, वही दिक्कत है। धोने का तो मैं वॉशिंग से धो दूँ, बट दिक्कत यही है कि सुखाऊँगा कहाँ, बस उसी की दिक्कत है। शॉप पे जाके कार का की पिक करके फिर कार पार्किंग पे जाना है, भाई कार पार्किंग पे वेट कर रहा है मेरा, सो चलते हैं और देखते हैं। बस जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी की मैंने ले ली है इन्फिनिटी, सो अभी जा रहे हैं पार्किंग पे, पार्किंग पे जाके देखेंगे क्या सीन होता है। तुम होंडा के कोई सी है, देने का प्लान हुआ था ना, मैंने बोला था ना हमारा प्लान कच्चा पक्का रहता है, कभी भी चेंजेस होता है, सो अभी प्लान चेंज हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं कुछ तो बीच का नाम बोला, यहाँ का जो बीच है फेमस बीच है वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा सीन होता है। मैं पहली बार जा रहा हूँ दुबई के बीच को, लेकिन बहुत सुना है कि पानी बहुत क्लीन रहता है, एंड देखते हैं जाके क्या सीन होता है। फाइनली अभी हमें बीच में सिटी सेंटर जाने का प्लान हुआ था, बट टाइम 10 बज चुके हैं, सो सिटी सेंटर बंद हो जाएगा जल्दी, सो इस वजह से प्लान कैंसिल करके अभी हम आए बीच पे। मेरे आगे के साइड पे बीच है, ये जो घर से घर से भी दिख रहा है, ये इधर के लोकल्स के घर है जो कि काफ़ी अमीर बंदे हैं। सो भाई जा चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ, सो चलते हैं और देखते हैं। काफ़ी मस्त है गाइस, देखो ये रोड देखो गाइस क्या क्लीन है, तो अभी बीच से आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं मंदी खाने के लिए, देखते हैं यहाँ की मंदी, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, होप सो अच्छी हो। भाई बोल रहा है कि बहुत अच्छी होती है इधर की मंदी, देखते हैं कैसी होती है। तो गाइस अभी ये वाले रेस्टोरेंट में आए, बैतल मंदी, बैतल अल मंदी रेस्टोरेंट, देखते हैं कि कैसी होती है मंदी। सो काफ़ी मस्त मंदी था, मंदी खाने के बाद आइसक्रीम चल रही है, मैंगो एंड वनीला मिक्स लिया है मैंने, जो कि काफ़ी मस्त है इधर का, ऐसा लग रहा है कि मैंगो ही खा रहा हूँ मैं नेचुरल। सो गाइस अभी हम खा के आ चुके हैं, काफ़ी बढ़िया मंदी थी, काफ़ी मज़ा आया,
काफ़ी अच्छा था मंदिर। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से भी करवाना ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली जल्द से जल्द बड़ी हो जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।